सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A10s डिवाइस के बारे में। फाइनली एक वन यूआई 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो आपको इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी A10s जो डिवाइस है इसके अंदर आज आपको यहां पर रिसीव हो चुका है। और ये जो न्यूज है वो आपको पहले सैमसंग का वन यूआई अपडेट का जो ग्रुप है जो कि आपको टेलीग्राम पे यहां पर देखने को मिलता है उसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको यहां पर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैंने आपको जैसे ही अपडेट यहां पर रिलीज हुआ था न्यूज जब आप लोगों को यहां पर रिसीव हो चुकी थी। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं कमाल के वन यूआई 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 के फीचर के बारे में और यहां पर चेंजेस के बारे में। सो अगर आप लोग एक सैमसंग गैलेक्सी A10s डिवाइस के यूजर है सो कम्प्लीट इस वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, लाइक का टारगेट हम लोग रखते हैं 200 लाइक जो कि आप लोग यहां पर कंप्लीट कर देना। सो यहां पर दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अगर हम बात करें फर्स्ट फीचर के बारे में, फर्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है एज पैनल। जी हाँ गाइज, फाइनली एज पैनल है वो यहाँ पर सैमसंग की ओर से ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो फीचर है वो आपको पहले सैमसंग के जो फ्लैगशिप डिवाइस है उन्हीं के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर सैमसंग के जो मिड रेंज डिवाइस है, बजट डिवाइस है, उनके अंदर भी आप लोगों को ये कमाल का फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। इसकी वजह से आप लोग डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। कंपास है उसको आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई भी म्यूजिक है उसको यहाँ पर प्ले कर सकते हो और भी बहुत सारे आप लोगों के जो टास्क हैं वो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हो। और ये वाला जो फीचर है रेक्टेंगुलर, इससे आप लोगों का फायदा ये होगा आप लोग डायरेक्टली अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। और सेटिंग के अंदर जाने के बाद में और भी आप लोग काफी ज्यादा जो फीचर है वो यहाँ पर इनेबल कर सकते हो इसी ब्रांड न्यू एज पैनल फीचर के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और भी आप लोग बहुत सारे टास्क है वो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। सो इसको यहाँ पर एक बार जरूर से ट्राई कर लेना। ये वैसे आप लोगों को एक्टिवेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद में डिस्प्ले और यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रांड न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एज पैनल। सो यहाँ पर आपको इसको पहले इनेबल कर देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड फीचर के बारे में। सो सेकंड फीचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है फोन लॉक के अंदर। यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेगी, इस पे यहाँ पर प्रेस करना है। 3 डॉट पे प्रेस करने के बाद में सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पर सेटिंग ओपन हो चुकी है और आपको एक ब्रांड न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल बैकग्राउंड। मैंने यहाँ पर अभी इसके अंदर ये वाला सेट करके रखा है, मतलब कि मुझे यहाँ पर कोई भी कॉल आएगा मैं किसको कॉल करूंगा तो मुझे इस तरीके का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आप लोगों का इसका प्रीव्यू दिखाऊं सो आप लोग देख सकते हो ये कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। किसी का भी यहाँ पर कॉल आएगा सो आपको कुछ इस तरीके का लेआउट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कॉल बैकग्राउंड का। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसी के अंदर आपको 2-3 नए फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेआउट है वो आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हो कुछ इस तरीके का और यहाँ पर कुछ इस तरीके का। सो इसमें थोड़ा बड़ा लगता है सो आप लोग भी इसको यहाँ पर सेट करके रखना। और बैकग्राउंड है आपको सैमसंग का जो डिफॉल्ट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर टैप करने के बाद में आप लोग इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो प्लस आइकन पे प्रेस करने के बाद में सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोग गैलरी या फिर किसी भी अपनी जो एल्बम है उससे जो फोटो है उसको यहाँ पर चूज कर सकते हो और कोई भी यहाँ पर वीडियो है उसको भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। सो ये भी आपको एक फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइज आप बात कर लेते हैं थर्ड फीचर के बारे में जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है न्यू नोटिफिकेशन शेड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको कितना ज्यादा एक कमाल का बोके इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है बैकग्राउंड के अंदर। यहाँ पर मैंने स्पाइडरमैन वाला जो वॉलपेपर है उसको यहाँ पर सेट करके रखा है जो कि आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा कमाल का यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ से भी आप लोग स्पाइडरमैन है उसको यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्लॉक की जो पोजीशन है वो पहले आपको लेफ्ट में टॉप की ओर देखने को मिलती थी, अब इसको यहाँ पर सेंटर में कर दिया गया है, मिडल में कर दिया गया है। और जितने भी जो बटन है उनकी पोजीशन थोड़ी पहले ऊपर थी, अब सभी को यहाँ पर नीचे कर दिया गया है जिससे कि आप लोग वन हैंड से इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हो। डिवाइस एंड मीडिया का एक नया ऑप्शन है वो यहाँ पर फाइनली सैमसंग की ओर से ऐड कर दिया गया है जिसकी वजह से आप लोग अपने जो ब्लूटूथ
जो कॉन्टेक्ट है उनको आप लोग यहाँ पर इजिली यहाँ से ही कनेक्ट कर सकते हो। सो ये एक आपको चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और भी आपको इसके अंदर कुछ कमाल के चेंजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों को एक कमाल का न्यू ब्लर इफेक्ट है वो यहाँ पर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। अब गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में जो कि आपको देखने को मिलता है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद में फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको इसको ओपन करना है, एडवांस सेटिंग के अंदर रहना है और यहाँ पर आपको एक ब्रांड न्यू ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये ऑफ होके रखेगा, आप लोगों को बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पर ऑन कर देना है। सो अब इसका वर्क क्या है, आप लोगों के फोन में 24 आवर तक कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी वो आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और इसके बारे में आपको एक हिडन ट्रिक है वो यहाँ पर बता देता हूँ। कोई भी आपका व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है वो आपको यहाँ पर मैसेज कर देता है, उसके बाद में वो यहाँ पर आपके फोन से भी मैसेज को डिलीट कर देगा, तो भी आप लोग यहाँ पर इजिली चेकआउट कर सकते हो कि उसने मैसेज है वो यहाँ पर क्या सेंड किया है। सो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। सो इस ट्रिक को आप लोग यहाँ पर जरूर से यूज करना। और यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी किसी भी एप्लीकेशन की आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सो ये एक आपको कमाल का फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब गाइज मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ एक और कमाल के फीचर के बारे में जो कि है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑफ बबल्स स्मार्ट पॉपअप व्यू। सो ये एक आपको 3 सेटिंग है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप लोग इसको यहाँ पर सेट करके रखोगे और जो जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ऐप भी वगैरह कोई भी यहाँ पर सेट कर रखना है और बाद में आप लोग डायरेक्टली उनको यहाँ पर फेसबुक मैसेंजर की मदद से इजिली उनको यहाँ पर डायरेक्ट इधर से उधर कर सकते हो। सो ये तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे डिवाइस में कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पर जरूर से चेक करना। अब गाइस बात कर लेते हैं एक और कमाल के फीचर के बारे में जो कि आपको देखने को मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। यहाँ पर आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसको आप लोग ज्यादा या फिर कम कर सकते हो। ये वाली सेटिंग आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी, One UI 3.1 का जो अपडेट है इसी के अंदर यहाँ पर एड किया गया है। सो इतनी रखा करो, इतनी परफेक्ट है वरना फोन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब गाइज आप लोगों को एक और कमाल का फीचर है वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, अगर आप लोग नोटिफिकेशन शेड है उसको यहाँ पर ओपन करते हो और एक आपको ब्रांड न्यू ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जिसका नेम है आई कंफर्ट शील्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला कौन सा फीचर है, सो आप लोगों को याद होगा हमारे सैमसंग डिवाइस के अंदर हमको सैमसंग का ब्लू लाइट फिल्टर है वो यहाँ पर देखने को मिलता था, उसको अब यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है और न्यू नेम यहाँ पर रख दिया गया है जिसका नेम है आई कंफर्ट शील्ड। और ये वाला जो फीचर है वो आप लोगों को इतना ज्यादा काम का नहीं आएगा क्योंकि ये इतने ज्यादा चेंजेस के साथ में आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ नाम है उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। और गाइज अगर आप लोगों को ये स्पाइडरमैन वाला वॉलपेपर है वो यहाँ पर पसंद आता है सो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में तो लिंक नहीं बता सकता हूँ लेकिन आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में और आप लोगों को एक ग्रुप देखने को मिल जाएगा सैमसंग का वन यूआई अपडेट, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज करके बता देना आप लोगों को वॉलपेपर चाहिए, मैं आपको पर्सनली वॉलपेपर है वो यहाँ पर सेंड कर दूंगा। यहाँ पर गाइज आप लोगों को गैलरी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट चेंज आपको देखने को मिलता है जैसे कि मैं ये वाली पिक्चर है वो यहाँ पर किसी को सेंड करना चाहता हूँ, सो शेयर बटन पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। रिमूव लोकेशन डाटा का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर आप लोग इसको ऑन कर देते हो। और व्हाट्सएप या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग अपनी इमेज को यहाँ पर सेंड करते हो सो उसका जो लोकेशन डाटा है वो किसी को भी यहाँ पर शो नहीं होगा। सो ये एक आपको चेंज देखने को मिलता है। और आप लोगों को यहाँ पर एक और मेजर चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो दो पिक्चर हैं उनके बीच में आप लोगों को जो लाइन है उसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा किया गया है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है और समझ में आ जाता है कि दो पिक्चर हैं वो अलग से यहाँ पर सेपरेट हैं। सो ये भी आपको यहाँ पर एक चेंज देखने को मिल जाता है। लोगों को लॉक स्क्रीन है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है जहाँ पर आपको जो क्लॉक है उसको यहाँ पर थोड़ा स्लिम किया गया है, सो ये एक आपको चेंज देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग कुछ इस तरीके से स्वाइप करते हो जो डायल पैड है वो यहाँ पर iOS स्टाइल है
हैं उसके जैसे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर यूज करने में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमाल का लगता है। सो यार इसको एक बार यहाँ पर जरूर से ट्राई करना। और आप लोगों को यहाँ पर एक और चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन के अंदर। अगर आप लोग लॉक है उसमें यहाँ पर प्रेस करोगे सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्टाइल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का लेआउट है वो देखने को मिल जाएगा। टॉप में आपको क्लॉक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, सजेशन है सो यहाँ पर आपको नीचे लिंक मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में सैमसंग वन यूआई अपडेट, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट आता है, लेटेस्ट न्यूज है वो आपको सबसे पहले यहीं पर देखने को मिल जाती है। सो इसको ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।